बिहार में शराबबंदी लागू है, बावजूद इसके नए नए खुफिया तरीके से आरोपी शराब की तस्करी में जुटे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला बेगूसराय से सामने आया है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने एक सूमो गाड़ी को जब्त किया। इसकी जब जांच की गई तो शराब लाने के तरीके को देख अधिकारी भी दंग रह गए। दरअसल गाड़ी में हर सीट के नीचे तहखाना बना हुआ था, जिसमें शराब छिपा कर रखी गई थी। बरामद शराब को बोकारो से समस्तीपुर पहुंचाना था, तभी उत्पाद विभाग की टीम ने बरौनी थाना क्षेत्र के सिमरिया राजेंद्र पुल के पास से इसे जब्त किया। चार पहिया वाहन में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी तो पुरानी बात है, लेकिन सभी सीट के अंदर तहखाना बनाकर शराब छिपाने का ये तरीका बिल्कुल अलग था। बताया जाता है कि बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि झारखंड से एक गाड़ी में भारी मात्रा में शराब बिहार लाई गई, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई तो सूमो गाड़ी को पकड़ा गया, जिसमें शराब के 22 कार्टून बरामद किए गए हैं। पुलिस ने झारखंड बोकारो के रहने वाले शराब तस्कर अजय कुमार को गिरफ्तार किया है। शराब का तो कुछ चोर व्यापार हो रहा है, लेकिन हम लोग का सघन उस पर जाँच हो रही है। अधीक्षक उत्पाद बेगूसराय के गुप्त सूचना था कि ये झारखंड से शराब लेकर एक गाड़ी सिमरिया पुल के तरफ से राजेंद्र पुल के तरफ से वो आने वाली है, जिसके सूचना के सूचित हुआ उसी के आधार पर हम लोग वहाँ सघन जांच किए, जिसी में एक टाटा सुमो गाड़ी को हम लोग जब चेक किए उसमें लगभग 22 पेटी या 437 बोतल शराब, विदेशी शराब बरामद हुआ जो झारखंड का निर्मित है, और उसके इसे जाँच हो रहा है, जो कि कह रहा है कि हम बोकारो से ला के समस्तीपुर में कहीं शराब को खपत कर रहा है, जिसका विशेष जांच हम लोग कर रहे हैं और हम लोग सतत इस पर निगरानी रख रहे हैं। गाड़ी में बहुत सा तहखाना बनाया था, सीट के पीछे में, ऊपर में, सीलिंग में, और जो जहां बैठते हैं उसके पीछे बना के तहखाना एकदम स्पेशल बना के लाया था। गिरफ्तारी हुआ है अजय कुमार शर्मा, जो ड्राइवर है उसकी गिरफ्तारी हुई है, वो बोकारो का रहने वाला है।